बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हम आपके पास एक नया 9mm पिस्टल लेकर आए हैं जो पेशावर में सैयद फारूक अली शाह जो कोहाट रोड पे उनकी एक फैक्ट्री है जहां वो ये वेपन्स बनाते हैं, ये उनका बनाया हुआ है। और पाकिस्तान में नॉर्मली जैसे आपने देखा कि ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि बहुत अच्छे गन मेकर्स हमारे पास हैं जो पहले सिर्फ दरादम खेल में हाथ के टूल्स के साथ काम होता था, अब इन्होंने बाकायदा पेशावर के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है कोहाट रोड पे जहां इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई हैं जहां कंप्यूटराइज मशीन्स के साथ CNC मशीन्स के साथ फिर गन्स की क्लोन कॉपीज बनाई जा रही हैं। तो ये जो मेरे हाथ में इस वक्त एक क्लोन है ये बरेटा 92FS का है और इसको आज हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, टेस्ट फायर करेंगे। पहली दफ़ा मेरे हाथ में ये आया, मैंने इससे पहले ना इसको देखा ना इसको फायर किया। और फारूक अली शाह साहब किस कस्म का काम करते हैं वो आज हम रिव्यू भी करेंगे, लेकिन पहले व्यू में जो मेरे हाथ में इस वक्त बरेटा है तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये इम्पोर्टेड बरेटा है या पाकिस्तान का बना हुआ क्लोन है। इतनी शानदार प्रोडक्शन है ये, हत्ता कि इसके ऊपर जो मार्किंग है वो भी पेट्रो बरेटा की हैं, इसके ऊपर मेड इन इटली भी लिखा हुआ है तमाम, इट्स एन आइडेंटिकल कॉपी। और जो फिनिशिंग है गन की बहुत खूबसूरत है, इसमें जो सारे फीचर्स होते हैं बरेटा के कि जो इसमें सेफ्टी लगी हुई है, सेफ्टी के साथ इसका ट्रिगर लॉक हो जाता है, इसको अगर आप गन को कॉक कर दिया तो फिर सेफ्टी के साथ हैमर ड्रॉप हो रहा है। सेम फंक्शन जो बरेटा 92FS के हैं, एग्जैक्टली ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल इन दिस, डायमेंशंस भी सेम है। अभी मुझे यह नहीं मालूम कि ओरिजिनल बरेटा 92FS जो कि अमेरिकन या इटालियन है उसके पार्ट्स इसमें रिप्लेस हो सकेंगे या नहीं, बट नेवरदलेस इसको देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये इम्पोर्टेड है या मेड इन पाकिस्तान है, पेशावर की बनी हुई है, फारूक अली शाह साहब की बनाई हुई है। सो आई एम गोइंग टू टेस्ट फायर दिस, अभी हम इसको फायर करते हैं और फिर हम आपको इसका रिजल्ट बराह रास्त आप सामने ही देखेंगे, जैसे हम फायर करेंगे देखेंगे, मैं खुद टेस्ट करूंगा एंड यू विल बी विद मी ऑन दिस ट्रायल। सो लेट्स सी, लेट्स फायर दिस बरेटा 92FS मेड इन पाकिस्तान क्लोन, फारूक अली शाह साहब का बनाया हुआ। और जो एम्युनिशन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो स्टैंडर्ड हमारा 124 ग्रेन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का POF का है। और मैंने दोनों मैगजीन भी जो देखे ये बहुत हाई क्वालिटी मैगजीन्स हैं, कंपैरेटिवली जो दूसरी दरे की या पेशावर की गन्स हैं इनमें 15-15 राउंड आसानी से लोड हो गए, स्प्रिंग का मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। नॉर्मली जो प्रॉब्लम आती है बिल्कुल शुरू में ही जब आप गन लेते हैं तो मैगजीन लोड नहीं होता, 15 का जो मैगजीन है 6-7-8 के बाद गन गोली फंसना शुरू हो जाती है, स्प्रिंग टाइट हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम दरे की गन्स में या पेशावर की गन्स में स्टैंडर्ड है, तकरीबन तमाम गन्स में ये प्रॉब्लम आती है, एक तो मेटलर्जी, मेटल क्वालिटी इतनी हाई नहीं होती, दूसरी फिनिशिंग, बहुत अच्छी चीज़ बनाते हैं लेकिन चीज़ें आपस में फिट नहीं हो रही होती, और तीसरा स्प्रिंग मसला करते हैं। तो बहरहाल अब इसमें वो इश्यूज़ ज़ाहिरन मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इसका स्प्रिंग भी बहुत अच्छा है। अब फायर करके हम देखते हैं कि गन कैसे बिहेव करेगी। और पहला राउंड इसके ऊपर मैं आई एम गोइंग टू फायर, थोड़ा सा गन राइट फायर कर रही है, इसकी साइट्स एडजस्ट होने वाली हैं, इट इज फायरिंग स्लाइटली ऑन द राइट। राउंड फायर होने के बाद बहुत कंफर्टेबली लॉक हो गया, सिवाय इसके कि जरा सी साइट को एडजस्ट करने की जरूरत है, इट इज गोइंग ऑन द राइट, वो मैंने जरा सा लेफ्ट करके फायर किया तो फिर मैं टारगेट पे दोबारा वापस आ गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट वंडरफुल फायरिंग, लेट मी चेंज द मैगजीन एंड सी हाउ इट गोज। अब हम थोड़ा सा इस पर रैपिड फायर करते हैं,
फुल मैगजीन 15 राउंड नो ब्लॉकेज आई मस्ट से फैंटास्टिक फायरिंग कंसिडरिंग कि ये जैसे कहा कि पेशावर की बनी हुई है और नॉर्मली ये प्रॉब्लम इनके मैगजीन्स में या गन्स में आते हैं और पहली दफ़ा फायर करके इस गन को आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड एक्चुअली माशाल्लाह फारूक अली शाह साहब वंडरफुल जॉब डन हो सकता है मैं अपने लिए भी एक ऑर्डर करूँ फिर आपसे इस फासले से 6 इंच ही राइट मार रही है अब तक हम इससे तकरीबन 50 एक करीब राउंड फायर कर चुके हैं और कोई जैमिंग नहीं है कोई ब्लॉकेज नहीं है परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सेलेंट पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के ही राउंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जस्ट वंस अगेन वील सी अब मैं इसको डबल एक्शन में पहले फायर करूँगा एंड देन आई विल सी कि थोड़ा सा पिछली वाली साइड को एडजस्ट करने की ज़रूरत है ज़रा सा 6-7 इंच ये राइट पे मार रही है बट अदरवाइज परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सेलेंट फारूक अली शाह साहब एक मेरे लिए भी बना देंगे इसे